हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियोस। और फिर से एक नई एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज है 1 जनवरी 2023। सभी लोगों को नव वर्ष की शुभकामनाएं, सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। तो गाइज, आज का मुद्दा यही है, आज का जो क्लिप्स है, आज का जो वीडियोज है, मेन मकसद के लिए बनाया गया है, क्योंकि सभी लोग का कमेंट आ रहे थे, सभी लोग बोल रहे थे तो भाई हमने ओलम ट्रेड में $10, किसी का $50, किसी का $100 ने डिपॉजिट किया है। लेकिन जितने भी ओलम ट्रेड के क्लाइंट्स हैं, ये क्या स्कैम कर रहा, ये चोर है? क्योंकि हम जो हम लोग का ट्रांजेक्शन्स है वो सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन क्या ओलम ट्रेड के जो क्लाइंट्स हैं वो रिफिल क्यों नहीं करता है? $10 हो या $50 हो या $100 हो या $200 हो, ये रिफिल्ड क्यों नहीं कर रहा? जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, UPI को, QR कोड, आपका पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, P2P, तो जितने भी सारे सिस्टम्स हैं, ये स्कैम बना के रखा है या फ्रॉड बना के रखा है? क्योंकि हम लोग का फ़ोन पे से करते हैं, गूगल पे से करते हैं, पेटीएम से करते हैं और QR कोड के थ्रू करते हैं। लेकिन ये जो हमारा ट्रांजेक्शन्स है वो सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन पेटीएम पे जो क्लाइंट है, लेकिन जो ओलमटेड का क्लाइंट है हमारे अकाउंट में, वो रिफिल क्यों नहीं करता है? जो हमारा रियल अकाउंट है उसमें रिफिल क्यों नहीं कर रहा है? हमसे जो है दो बार गलती हो चुकी है। पहले मैंने गलती की है, 5 दिसंबर 2022 को मैंने डिपॉजिट किया था $10, ₹818। हमारा आप देख सकते हैं यहाँ पर लगा हुआ है स्क्रीनशॉट, जो मैंने 5 दिसंबर का मैंने डिपॉजिट किया था पेटीएम के थ्रू ₹818। लेकिन वो अभी तक $10 ना हमारे अकाउंट में रिफंड आया है, ना ही ओलम ट्रेड का जो अकाउंट है उसमें ना रिफिल्ड किया गया है। पहली मिस्टेक मैंने किए थे, पेटीएम के थ्रू मैंने किया था ट्रांजेक्शन्स $10, लेकिन हमारी गलती नहीं है, ये गलती किसकी है? जिन्होंने सिस्टम बना कर रखा है ओलम ट्रेड में, आप पेटीएम से करो, QR कोड से करो या UPI P2P से करो, ये सिस्टम खोल के क्यों रखा है? ये स्कैम कर रहा है या फ्रॉड कर रहा है? दूसरी चीज़, मान लीजिए कि आप UPI P2P से किए हैं, उसका तो सिस्टम अलग है, वहाँ पर खोजता है ट्रांजेक्शन्स ID। लेकिन हमारा मेन मुद्दा था कि मैंने पेटीएम से किया था UPI P2P के थ्रू, जिसका क्लाइंट का नाम था फर्स्ट इंडिया सर्विस। उसने हमारा अभी तक पैसे को ना रिफंड किया है, ना हमारे ओलम ट्रेड अकाउंट में रिफिल्ड किया है। दूसरी, आज मैंने पेमेंट किया है, आज पेड किया था, आज है 1 जनवरी 2023, आज संडे के दिन है, जिन्होंने मैंने UPI QR कोड की जो होती है स्कैनर के थ्रू, जो जिसमें अगर आप UPI पे क्लिक करेंगे, UPI QR कोड पर, वो आपको खोजता है वेरीफाई अकाउंट। जब तक आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होता है तो UPI जो है QR कोड आपका वहाँ पर नहीं होता है ट्रांजेक्शन। लेकिन हमारा अकाउंट वेरीफाई है, फिर भी हमने UPI QR कोड से मैंने स्कैन करके पेटीएम के थ्रू आज डिपॉजिट किया, फिर से $10, ₹828, जो ₹10 एबव हो चुका है विद इन 1 मंथ होने वाली है। तो गाइज, जैसे कि आपको पता है, अगर आप लोग UPI P2P, UPI QR कोड, पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, जितने भी सिस्टम बना कर रखा ओलम ट्रेड वाले, आई थिंक लगता है सबसे फ्रॉड है या चोर है। ये जितने भी क्लाइंट्स बैठे हुए हैं वो बहुत ही चोर है, क्योंकि अगर मैंने रिप्लाई भी करता है, उसका कस्टमर सपोर्ट से बात भी करते हैं, जितने भी क्लाइंट सपोर्ट से बात करते हैं, फिर भी वो टाइम लेते जाते हैं। जो मैंने आज दूसरी पेमेंट की है ट्रांजेक्शन्स 2023 को 1 जनवरी को, आज मैंने 12 बजे किया है, जिसमें लिखा हुआ था 32 मिनट बाद आपके अकाउंट में $10 रिफिल्ड कर जाएगा। जिन्होंने हमने ट्रांजेक्शन्स ₹828 पूरा हो चुका है, कंप्लीटेड कर चुके हैं, लेकिन अभी तक, अभी 7 घंटा होने वाला है, अभी हमारे अकाउंट में जो है $10 रिफिल्ड नहीं किया है। क्या लगता है कि ये $10 रिफिल्ड करेगा या नहीं करेगा? क्योंकि दूसरी पेमेंट किया, फर्स्ट पेमेंट किया था तो अभी तक रिफिल्ड नहीं आया, मैंने बहुत वेट किया, अब फिर से आज मैंने दूसरी पेमेंट किया, इसके लिए भी वेट करना पड़ेगा या आई थिंक नहीं आएगा, आई डोंट नो। तो आप लोग से गुजारिश यही है कि हमारा जो, आप देख सकते हैं हमारा जो फ़ोन का स्क्रीन जो है रिकॉर्डिंग चालू है, मैंने कैसे कैसे पेमेंट किया है और जितने भी हमारा जो ट्रांजेक्शन्स है वो सक्सेसफुल हो चुका है ₹828। तो गाइज, आप लोग से गुजारिश यही है, आप लोग से विनती यही है कि जितने भी ओलम ट्रेड के जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, पेटीएम पे, फ़ोनपे,
गूगल पे, आपका यूपीआई क्यूआर कोड, यूपीआई पीटूपी, ये सभी जो है सबसे बेहद्दा है, सबसे चोर है, स्कैम है, फ्रॉड है। इससे इसके जान में आप कभी मत फंसना, क्योंकि आपका जो है ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाता है और जितने भी क्लाइंट्स बैठे हुए हैं उसके अकाउंट में जो है पैसे पहुंच जाते हैं। लेकिन लगता है क्लाइंट्स लालच है, वो साला चोर बैठा हुआ है और आपके अकाउंट में वो रिफिल्ड नहीं करेगा। तो दूसरी आपसे गुजारिश यही है कि आप इस सभी चीज़ों को, जितने भी जो भी आपके गलतियाँ कर चुके हैं उसका अवॉइड करें, आप उससे आप पेमेंट रिपीट ना करें। आप जो है मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड या बैलेंस पे के थ्रू आप डिपॉजिट करें। अगर आपका बैलेंस पे अकाउंट बनाना नहीं आता है तो मैं इसके लिए वीडियो जल्दी लेके आने वाला हूँ कि बैलेंस पे में अकाउंट कैसे बनाते हैं, उसको वेरीफाइड कैसे करते हैं। ओके, जब तक आपका अकाउंट वेरीफाइड नहीं होता है अथवा तो आप बैलेंस पे से, आप बिलेंस पे से आप वहाँ से जो है डिपॉजिट या विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, पहले आप बिलेंस पे अकाउंट बनाएं, उसके बाद जो है आप, नहीं तो अगर आपका बिलेंस पे नहीं है, अगर आपका बिलेंस पे नहीं है तो आप मास्टर कार्ड से, आप वीज़ा कार्ड से आप डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन ये आपको इंटरनेशनल कार्ड है जो इसका फीसेस हैं वो ज़्यादा रहते हैं। ओके, किसी का आपका 1%, किसी का 2%, किसी का 3% रहते हैं। तो मैंने जब इसके पहले मैं डिपॉजिट करूँगा, अगर आपका पेटीएम अकाउंट है, अगर आपका पेटीएम पेमेंट बैंक चलाते हैं तो इसको पहले था रुपी कार्ड है। ओके, पहले रुपी कार्ड था। अगर आप अभी तक अपग्रेड नहीं किए हैं, आप जैसे ही अपग्रेड करेंगे तो आपका पेटीएम पेमेंट बैंक से भी जो आपका कार्ड है वो आपका रुपी कार्ड से आपका मास्टर नहीं, आपका वीजा कार्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे ही आप अपग्रेड करेंगे तो वीजा कार्ड में आप कन्वर्ट कर लीजिए, तो वहाँ से आप $10 डिपॉजिट करेंगे तो विद इन आपका 10 सेकेंड से 20 सेकेंड के अंदर आपका $10 है डिपॉजिट हो जाता है। लेकिन आपको जो चार्जेस हैं वो फीस थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। ओके, तो गाइज बस आज के इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। ओके, आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करें चैनल को, और फिर बात करेंगे ओलमटेट के बारे में कि कैसे कैसे डिपॉजिट करते हैं पेटीएम वीजा कार्ड के थ्रू। तो बाय बाय।